का, गाड़ी रोको। क्या हुआ? वो फूल। फूल? ये या वो? उन फूलों में खुशबू है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ये खुशबू तुम्हारे लिए, वो खुशबू हमारे लिए। Got it? Got it. तो फिर लाइए। ओके। हाय। हाय। How are you? Good. How are you? Okay. Are these flowers for sale? Yeah, $2. Okay. That much? Keep that. It's love. Welcome to America. फूलों से पहले पत्थर से मुलाकात कर लो शहजादे। तुम्हारी इस बेवकूफी पे हंसने को जी चाहता है। चलो हंस लो, मरने से पहले तुम्हारी ये हसरत न रह जाए कि आखिरी बार हंस भी नहीं सके। देखो आज मैं जरा जल्दी में हूं और जाओ बच्चे, माफ किया, गेट लॉस्ट, वरना वरना इन फूलों के साथ साथ तुम्हारी गर्दन भी नीचे होगी और इस लड़की को यह चुनना मुश्किल हो जाएगा कि वो ये फूल उठाए या आशिक का सर। हरामजादे, डोंट डू दैट मैन। क्या किया तुमने हमारे लिए, इतना कुछ कर दिया? ये तो दो बूंद खून की बात है जाने मन। अगर तुम आसमान पर इशारा करो तो तुम्हारी कसम उससे हम उसका आसमान छीन लें। ओ अजय,
girlfriend. How to each other. Hajime! Somebody who can beat my boy Dragon? Can somebody do it? Hey, koi mai ka lal jo Dragon ko hara sakta hai? Haan, hum hai. Tere pille ka banjo na baja diya, to mera naam Ajay nahi. Wow! Hey, Dragon, kill him! कोई पीछे पड़े ड्राइवर ओपन दैट गॉडडैम सनरूफ Nice meeting you. This is the international border. We have the information that illegals will be crossing tonight. So, yahan se seema paar karke log America aate hain. Hame hoshiyar rehna hoga. Wah, Dad, wah, kya nishana hai aapka? Arey, beti, hum Prithvi Raj Chauhan ke khandan se hain. Hum shikar khelna bhale hi band kar dein, lekin nishane par aaye hue shikar ko nahi chhod sakte. Oh yeah, lijiye ye paper padhiye. क्या है अजय ये बहादुर लड़का तो अपने ही वतन का होगा हम इससे मिलना चाहेंगे ओह गॉड इज ग्रेट डैड वो आ गया हाय अजय हाय ये मेरे डैड नमस्ते अंकल जीते रहो बैठो बेटे तुम्हारी बहादुरी की खबर अखबार में पढ़कर हम तुमसे बहुत मुतासिर हुए यकीन जानो हमारे वतन से आकर कोई भी जब हमसे मिलता है हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे वतन की खुशबू हम तक पहुंच गई अंकल ये नारियल के पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है
कि आप अमेरिका में रहकर भी हिंदुस्तान को नहीं भूले। भला उस धरती को कौन भूल सकता है जहां अलग अलग मौसमों की तरह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक परिवार की तरह रहते हैं। हमने तो अपने वतन से आने वाले हर दुखियारे की मदद की है, मगर उस डेंगू नाम के सांप ने हमें ऐसा डस दिया कि जिसका जहर आज तक नहीं उतर पाया है। ऐसा क्या कर दिया डेंगू ने? ये पूछो क्या नहीं किया उसने। जिसे हमने अपने घर में पनाह दी, इज्जत दी, उसी ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मगर अंकल ये डेंगू? डेंगू अपने ही वतन का रहने वाला एक सीधा साधा नौजवान था। उसका असली नाम धरिंद्र है। मैं तुम्हें अभी उसकी फोटो दिखाता हूँ। अरे सुबह आपकी तस्वीर देखी अखबार में और इस वक्त मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ। कमाल कर दिया आपने, बड़ी बहादुरी का काम करते हैं आप। गुड, वेरी गुड सर। थैंक यू। ये डेंगू का भाई मैंगो लगता है। ये है उसका फोटो। अंकल ये फोटो को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये वही आदमी है? इंसान को शैतान बनने में कितनी देर लगती है। जब ये पहली बार यहाँ आया था तब मेरे पांव पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर सर आप मेरे बाप समान हैं। अगर प्रदेश में आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? उठो उठो, आखिर बात क्या है? आओ इधर सर, प्लीज सर बैठो। अरे कुर्सी पर बैठो। अब इतनी नाम से बताओगे क्या बात है? सर मैं बहुत मुसीबत में हूँ। छोटी बहन की शादी करनी है। कहाँ? पंजाब झंझवाल में। भाई है उसको पढ़ाई के पैसे भेजने, वहाँ का ऑपरेशन कराना है। बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं सर, मुझे कुछ काम दे दीजिए सर। सर देखो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा। सर आप जितनी मेहनत कहोगे मैं करूँगा, दिन रात पशुओं की तरह काम करूँगा। मुझे काम अच्छा दीजिए। अच्छा तो ठीक है, सुनो यहाँ हमारा एक बहुत बड़ा फार्म है जी। कल हम तुम्हें वहाँ ले जाएंगे, सारा काम तुम्हें समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। अब वाकई मेरे पिता समान है, मुझे लगता है कि मुझे भगवान मिल गया। उसके साथ हमने इतना कुछ किया और उसने हमारे साथ। हाय बेबी, बहुत दिनों से मुझे इसी दिन का इंतजार था। A day like this, घर में तुम्हारे और हमारे सिवा कोई नहीं है। Nobody's there. Come on, hey baby, come on, hey. Hey, it's all right. If you kill him, you'll go to jail. फिर मेरा क्या होगा? कमीने, एक पाप की बेबसी ने आज तुझे बचा लिया। चला जा यहाँ से, दूर हो जा। अर्जुन, आइंदा अगर कभी इस घर या मेरे फार्म के पास नजर आया तो इस गोली से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। Get out! वो शैतान यहाँ से तो चला गया, मगर हमारे फार्म के पास ही कोकीन का नाजायज धंधा करने लगा। हमारा फार्म मीलों लंबा फैला हुआ है। कुछ लोग मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आ जाते हैं, जिनका ना तो पुलिस की फाइल में कोई रिकॉर्ड होता है और ना ही इमिग्रेशन के दफ्तर में। डेंगू उनको बहला फुसला कर अपने अड्डे पर ले जाता था और उनसे जबरदस्ती स्मगलिंग का काम करवाता था, और जो लोग उसका कहना नहीं मानते थे उन्हें मारकर हमारे फार्म पर दफना जाता था। एक दिन हमारे फार्म से कई डेड बॉडीज मिली और उसी आधार पर पुलिस हमें गिरफ्तार करने हमारे घर आ गई। FBI. Yes. What can I do for you? Sorry. You are under arrest. मेरा कसूर? आप पर आरोप है कि आप स्मगलिंग करते हैं और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का धंधा करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ मैं। आपके बॉर्डर फार्म से ड्रग्स और डेड बॉडीज मिले हैं। What? You have right to remain silent. Whatever you say can and will be used against you in court of law. All right. Annie. Yes, sir.
सोनू आए तो उसे बोलना कि हम अभी वापस आ रहे हैं। Come on. पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए हमें छोड़ दिया गया। लेकिन हमें आज भी डर लगा रहता है कि डेंगू कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे कि हम कानून की लपेट में फिर आ जाए। अंकल आप बेफिक्र रहिए, हम डेंगू को पकड़ कर उसको बेनकाब करके आपके पास जरूर लाएंगे। नौजवान एक बार फिर सोच लो, आदमी को ऐसा वायदा नहीं करना चाहिए जो वो पूरा ना कर सके। अंकल हम ठाकुर हैं, अपना दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए हम अपनी जान भी दे देते हैं, बस हमें आशीर्वाद दीजिए अंकल। जीते रहो बेटे, बेटी ने बाहर तक छोड़ा। ओके डैड। हमें यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि डेंगो ने तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश की। आज से डेंगो हमारा दुश्मन है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ओके बाय। सोनू बेटी, अजय तुम्हें घर तक छोड़ने आया, ये हमें अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हमने देखा, क्या वो सही था? बोलो। जी डैड, वो बेटी, जिसे कहते हुए जबान लड़खड़ा जाए, बातें करते समय नजरें झुक जाएं, और जो रिश्ता नाम का मोहताज हो वो अच्छा नहीं होता। डैड अजय बहुत अच्छा लड़का है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन इससे भी इनकार नहीं कि हम अमेरिका में आकर बस गए हैं। और ये भी नहीं झुटलाया जा सकता कि यहाँ की संस्कृति में ही तुम पली हो, बड़ी हुई हो, यहीं के माहौल में तुमने तालीम हासिल की है। मगर सच्चाई ये है कि तुम्हारी रगों में भी हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है। हमें विदेश में रहकर भी अपने देश की संस्कृति और परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। मगर अजय भी तो हिंदुस्तानी लड़का है। हाँ बेटी, अजय भी उसी देश का रहने वाला है जहाँ की औरतों के पुरुषों से सिर्फ चार रिश्ते होते हैं, सिर्फ चार, बाप, भाई, बेटा और पति। उनके जीवन में दोस्त नाम के रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती। पर डैड, दोस्ती करना कोई बुरी बात तो नहीं? हम कहाँ कह रहे हैं कि दोस्ती करना बुरी बात है, मगर एक लड़की और लड़के की दोस्ती की एक मंजिल होती है, वरना वो दोस्ती बदनामी के सिवा और कुछ भी नहीं। हम ये पूछना चाहेंगे कि तुम्हारी दोस्ती की मंजिल क्या है। ये तो मैंने कभी अजय से पूछा ही नहीं डैड। तो उससे पूछो, हम इस दोस्ती को रिश्ते में बदल देना चाहते हैं। अजय हमें भी बहुत पसंद है। ओह डैड, यू आर ग्रेट। पापा का लेटर। हमारे लगते जिगर, सदा सुखी रहो। एक अरसे से ना तुम्हारा खत आया है और ना कोई फोन। लगता है अमेरिका में तुम्हारा इतना दिल लग गया है कि तुम पापा को भी भूल गए हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ बिताए दिनों की याद करते रहते हैं। क्यों पापा, है दम? अरे जोर लगाओ, ठाकुर की बाजू है। अरे अरे अरे, देखा पापा, हम जीत गए। जीते रहो बेटे, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा उससे आगे बढ़े, आगे निकले, खानदान का नाम रोशन करे। ये लीजिए चेक, अब बचाइए। ये बात है तो लीजिए ये। चाल पे चाल। पापा आप ऐसा कीजिए, चाल आप चलिए, मैं जरा अपने दोस्तों में हो आता हूँ। तो क्या हम तुम्हारे दुश्मन हैं भाई? अरे लो, हमारे साथ पियो। लो। नहीं पापा। अरे देखो, कहते हैं जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो वो दोस्त बन जाते हैं। लो। अरे लो, शर्माओ नहीं। आज हम बीमारी की हालत में एक लाश की तरह हवेली में पड़े हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, खत पढ़ते ही चले आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पहुंचने से पहले हम अपनी आखिरी ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से चल बसे।
तुम रो रही हो? नहीं तो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे लिए इंडिया से मैं क्या लाऊं? जल्दी लौट आना, हैप्पी लैंडिंग। ओह सोनू, आई रियली लव यू। अरे राम राम कुंवर साहब, धन भाग्य जो आप। मुनीम जी, पापा कहाँ हैं? पापा हॉल में हैं। पापा हॉल में? पापा, अरे अजय, मेरे बेटे, मेरे पापा। लाल पापा, आप ठीक तो है ना? अरे बैठ तो सही, बैठ। अरे ये चेहरे पर क्या हुआ? पापा ये चोट जिस्म की नहीं पापा, दिल की है। आप नहीं जानते आपका खत पढ़कर ये 24 घंटे का सफर कैसे गुजरा पापा। क्या करते बेटे, तुम्हें हमने अमेरिका भेजा था पढ़ने लिखने के लिए, पर तुम वहां की चकाचौंध में ऐसे खोए कि हमसे मिलने की फुर्सत ही नहीं मिलती तुम्हें। पर पापा ये आपका तरीका तो ठीक नहीं बुलाने का। आप नहीं जानते आपकी बीमारी का सदमा हमारी जान ले सकता था पापा। छोड़ो भी। अजय बेटा। अरे बुआ। आप? प्रणाम बुआ। खुश रहे। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं बुआ, एक पागल बैल एक लड़की के पीछे पड़ गया था, हमने अपनी जान पे खेलकर उसकी जान बचा ली। खैर छोड़िए, ये बताइए आप कैसी हैं? अब याद आई बुआ की, अमेरिका क्या गया, हमें भूल ही गया। कमाल करती हैं बुआ, हम कैसे भूल सकते हैं? आप हमारी बुआ ही नहीं, आप हमारी माँ हैं। हम जब भी आपको देखते हैं अपनी माँ का ही तसव्वुर करते हैं। देखा भैया, अजय बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। चल बेटा खा पी ले कुछ, हाथ मुंह धो के फिर बात करेंगे। अच्छा बुआ, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब अपना दोस्त NRI अजय अमेरिका से आ गया है, हैं? अब अपना टेंशन खत्म, अपने स्ट्रगल के दिन फिनिश, और अब हमें हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक कहा मैंने? लेकिन देख लेना, मैंने एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर को खत लिखा है कि वो इस नए टैलेंटेड हैंडसम डैशिंग लड़के को चांस दें और उसे बहुत बड़ा कलाकार बना दें, स्टार बना दें। तो ये बताओ तुम्हारे खत का जवाब आता आता भी है या नहीं? उड़ाओ उड़ाओ, सब लोग मिलकर मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन देख लेना एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा और आप सब लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए मेरे पीछे भागेंगे। शायद तो ठीक कह रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन जब तक ये जो हीरो हीरोइन के रिश्तेदार है ना, ये जब तक नए एक्टर को किस्मत आजमाने का चांस नहीं देते तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये स्टार मेकर जो है ना, ये भी तो नए लोगों को चांस नहीं देते। हाँ बिल्कुल नहीं देते, लेकिन क्या है फिर भी हम लोग जो है हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब जो है हमारा एक जैकपॉट, उसका नाम है अजय, वो अमेरिका से आ गया है डॉलर लेकर। हाँ, और मैं उसे प्रोड्यूसर बना दूंगा और लगवा दूंगा कुछ 4-5 करोड़ रुपए। क्या हराम की कमाई समझा है? और नहीं तो क्या पसीने की है। अजय तुम कभी आ रहे? तू क्या समझता है, तेरे हीरो बनने के चक्कर में क्या हम करोड़ रुपए ऐसी खर्चा कर देंगे? क्या फोकट का समझता है? अजय मुझे हीरो बना देना। सोचेंगे यार, अभी तो लोकेशन देखते हैं, चल कम ऑन लेट्स गो। अजय वी हाउ बकली कहेगा छी शराब यार। उफ देखो ना सब कीचड़ हो गया। छी I'm so sorry। देखिए मुझे आप माफ कर दीजिए, दरअसल बात यह है कि रास्ता जानने में जरा तकलीफ हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद आया हूँ ना, तो मुझे पता नहीं था उसका। जी आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अरे उस दिन तो आपने मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं दिया। उस दिन? अरे हाँ वो... अच्छा अच्छा, मगर इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, दरअसल वो देखिए वो तो इंसानियत के नाते था ना। हाँ। मगर नेवर माइंड, थैंक यू सो मच, बाय। जी क्यों री, पहली मुलाकात में ही? अरे नहीं बेला, ये तो वही है जिन्होंने उस दिन मेरी बैल से जान बचाई थी। ओ लगता है उसकी जान तुम्हारी जान में अटक गई है, जानती है ये कौन है? अरे कुंवर साहब, तेरा अज्जू, जिसके साथ तू बचपन में गुड्डे गुड़िया की शादी का खेल खेला करती थी। अज्जू? हाँ। अरे भाई सूर्यभान, सूर्यभान। राम राम ठाकुर साहब। अरे राम राम मुनीम जी, कैसे हो? बस दुआएं जी। ठाकुर साहब कहाँ हैं? आप हॉल में बैठिए, मैं उन्हें अभी भेजता हूँ जी। अच्छा
अरे राममोहन। अरे सूर्यभान आओ आओ। भाई चार पांच दिनों से कहां मर गए थे? खबर पहुंचवा दी होती कम से कम मातम तो मना लेते भाई। क्या बताऊं यार, जवान बेटे का बोझ है सर पर, और तू तो अच्छी तरह जानता है कि मेरी ठकुराई खत्म हो चुकी है। मैं पूजा बेटी के लिए कोई अच्छा सा घर और वर तलाश कर रहा हूं। अबे चुप, तुम बेवकूफ हो, तुम गधे हो, तुम नामाकूल हो। मान गया, लेकिन ये तो बताओ कि ये सब उपाधियां तुम मुझे किस खुशी में दे रहे हो? अम्मा, घर में चिराग है और आप बाहर रोशनी ढूंढ रहे हैं। मैं समझा नहीं। अरे मेरा बेटा अजय वापस आ गया है। अच्छा ये बताओ, अजय और पूजा की जोड़ी कैसी रहेगी? सूर्यभान, कहीं तू मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। सूर्यभान, तो फिर वादा कर, तू अपने बेटे की शादी मेरी बेटी पूजा से करेगा। वादा जरूरी है? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू वादा निभाने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। ऐसी बात है तो सुन, ठाकुर सूर्यभान का वादा रहा, हमारे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से ही होगी। सूर्यभान, तूने गरीब की मुराद उसी तरह पूरी कर दी जिस तरह सुदामा के दुख भगवान श्री कृष्ण ने हर लिए थे। तू भगवान है मेरे लिए। कमीने, गरीबी का नाटक करते करते हमारे बेटे को तो घर से ले गया, अब हमें भी ले जाने का इरादा है क्या? जा, पूजा बेटी को इसकी खबर कर दे। ठीक है सूर्यभान। ये निकाल दो। तोरे संग बिस्तर पर कुश्ती लड़ब। आए आओ। नहीं। अरे आओ। छोड़ दो। अरे झटपट करे से कुछ ना होई जम्मिया, अब तो के भगवानों ना बचा सकी। आओ। बचा। ए, छोड़ दे इसे। अरे वो शहरी चाय के प्याले, जा घरे जा, तोरे माँ बाप तोरी रात तक धोई है। हम कहते हैं बकवास बंद कर और छोड़ दे इसे। अच्छा, गरीब शिकरियों को हम छोड़ दें ना तो तोके बहुत भारी पड़ी। और जानो तो हम कौन है? हम है चमनगंज बाले नंदुआ, नंदू पहलवान। हाँ, नंदू पहलवान चमनगंज वाले। एक नाम तू भी याद रख पहलवान, ठाकुर अजय सिंह, याकूतपुरा हैदराबाद वाले, समझा? अरे चुप, बहुत फड़फड़ाता है ना, अगर तोरा में इतना ही दम कम है तो छुड़ा ही देगा। Thank you.
जवानी निकल गई? निकल गई। क्या नाम बताया था तेरा? अरे हम चमनगंज वाले नंदुआ थे। थे। अभी तेरा नाम मालूम है? हैदराबाद में क्या बोलते हैं ऐसे पहलवानों को? बैगन के पहलवान, समझा? मेरा नाम क्या बताया था? सर तो के कौन नहीं जानता है, तुम तो हो ठाकुर अजय सिंह या कुछ पूरा हैदराबाद वाले। अब समझ में आ गया? आ गया ना। चल अब फुट ले, चल चल फुट। कैसे फुट ले, हमारी तो टंगड़िया टूटी पड़ी है ठाकुर। Thank you.
खजाना मिल गया है तुम्हें, जरा मैं भी तो सुनूं। बताऊं? कुंवर साहब, शादी से पहले ही? हाँ। उनसे मिलकर तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने वो मिल गए हो जिनकी मुझे जन्मों से तलाश थी। ऐसा क्या कर दिया है कुंवर साहब ने? मेरे ऊपर जब भी मुसीबत आई है ना, मुझे बचाने के लिए वो अपनी जान पर खेल गए हैं। सोनू, सोनू बेटी, ए, क्या बात है, आज बड़ी गुमसुम परेशान सी बैठी हो। डैड, जब से अजय गया है उसका ना कोई लेटर आया है और ना कोई फोन। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात। डैड, I'm really scared। आप हमेशा कहा करते हैं कि हिंदुस्तान की धरती बहुत खूबसूरत है, जो एक बार वहाँ जाता है वहाँ से वापस आना ही नहीं चाहता। कहीं अजय भी? अजय ऐसा नहीं है, लगता है तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन हमें उस पर पूरा भरोसा है। वो हमसे वायदा करके गया है कि वो डेंगू को पकड़कर हमारे पास लाएगा और वो अपना वायदा निभाने यहाँ पर जरूर आएगा। हाय पापा, इन्हें पहचाना? अरे कैसे नहीं पहचानेंगे पापा, आप क्या बात करते हैं, ये हमारे राममोहन अंकल है। प्रणाम अंकल। जीते रहो बेटे। पापा, इनको हम बचपन में बहुत परेशान किया करते थे, याद है अंकल आपको? भाई तुम्हारे अंकल को गलत फहमी है कि तुम विदेश में जाकर विदेशी रंग में रंग गए हो, अब हमारी बात नहीं मानो। अरे कैसे नहीं मानेंगे पापा, क्या बात करते हैं, आप हमारे पापा ही नहीं बल्कि आप हमारे यार हैं, और यारों के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं ना पापा। सुन लो। बस बेटा बस, मेरे दिल का बोझ उतर गया। सॉरी बहन, मैं चल के तैयारी करता हूँ। अच्छा। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो। पापा, अंकल किस तैयारी की बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, कह रहा था कि अजय से कहो कि वो उसकी बेटी को देख ले। मैंने कहा देख लेगा। बेटी को देख ले, लेकिन किस लिए? अरे शादी के लिए। और किस लिए? शादी? किसकी शादी? भाई हमने तुम्हारी शादी राममोहन की बेटी पूजा के साथ तय कर दी। हमसे पूछे बगैर? इसमें पूछने की क्या जरूरत है, हम जानते हैं जो फैसला हम करेंगे तुम उसे मानोगे। लेकिन पापा, ये हमारी शादी का फैसला है और ये हमारा हक बनता है कि हम उसी से शादी करें जिससे हम प्यार करते हैं। क्या तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो? जी हाँ। कौन है वो? सोनू नाम है उसका, फॉरेन में मिली थी। ओ, तो तुम एक विदेशी लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते हो जो हर आने जाने वाले गैर मर्द के साथ मोहब्बत का इजहार करती फिरे, जिसके खानदान का पता ठिकाना ना हो, ऐसी लड़की को हम इस घर की बहू नहीं बना सकते। उसका खानदान हमारे खानदान से कुछ कम नहीं है। सोनू सूर्यवंशी यशवंत सिंह चौहान की एक लौती बेटी है, और हमारा फैसला आप कान खोल कर सुन लीजिए कि अगर हम शादी करेंगे तो उसी से, वरना हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी शादी वहां नहीं होने देंगे। अरे अरे, आप दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़े जा रहे हो? भैया, अजय जिस लड़की से प्यार करता है आप एक बार उसे देख लें, और अजय बेटा जिस लड़की को तुम्हारे पापा ने पसंद किया है तुम उसे एक बार देख लो, बस झगड़ा खत्म। ठीक है बुआ। शारदा, हमने राममोहन से वादा किया है और तुम अच्छी तरह से जानती हो वादा निभाने के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। भैया, इस तरह से गुस्सा करके आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, आखिर अजय भी आप ही का खून है, जरा प्यार से काम लीजिए, जवान लड़का है, शायद पूजा को देखते ही उसका इरादा बदल जाए। पूजा बेटी, बुआ आप? जीती रहो बेटी। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना बुआ जी? हाँ, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो मैं समझ गई तुम क्या जानना चाहती हो, तुम सिर्फ अच्छी नहीं बहुत अच्छी लग रही हो। Oh, my God.
नमस्ते। हमारा यकीन करो, कसम से ये लड़की तो बस कमाल की थी। लड्डुओं भरी थाल के साथ हमारी गोद में आकर ऐसे गिरी है कि पहचानना मुश्किल हो गया था कि लड्डू कौन सा है, लड़की कौन सी है। सुनो, इस हंसी मजाक में कहीं ऐसा ना हो कि कोई लड्डू तुम्हारे मुंह में ही ना चला जाए। कम ऑन यार, कमाल करती हो, जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? उससे जिसे तरह तरह के फूल दिखाए जा रहे हैं। अरे जाने मन, दिखाने तो दो, हमारा क्या जाता है। और फिर गुलाब का जिक्र तो आखिर में ही होता है ना। तुम जैसी गुलाब को देखने के बाद और कोई लड़की हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे और हमारी जिंदगी पे असर नहीं कर सकती। अरे हम शादी करेंगे तो सिर्फ उस गुलाब से, वरना जिंदगी भर हम कुंवारे रहेंगे। हाँ ए, क्या हुआ तुझे? इतने मोटे मोटे आंसू, सारे के सारे आज ही बहा देगी तो शादी के दिन क्या होगा? बात मत कर, यहाँ मेरा सपनों का महल चूर चूर हो गया और तुझे मजाक सूझ रहा है। अरे अकल की अंधी, उमर साहब ने तुझे पसंद कर लिया है। क्या बकवास कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू अपना विश्वास खो बैठी है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखकर और कानों से सुनकर आई हूँ। क्या सुनकर आई है? उमर साहब किसी को फोन पर बता रहे थे कि वो शादी तुझसे ही करेंगे। सच? हाँ। क्या मेरे सर की कसम? तेरे सर की कसम। उन्होंने तुझे फूल कहा है। जानती है सबसे खूबसूरत फूल कौन सा होता है? खूबसूरत फूल गुलाब। हाँ, उन्होंने तुझे अपना गुलाब कहा है, और अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ गुलाब से, वरना किसी से नहीं। उन्होंने मुझे गुलाब कहा है, मुझे पसंद कर लिया। लेके बारात मेरे अंगना में आएगी।
चुरा के मेरा दिल ले गया। जाए तेरे आते हुए कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। कुंवर साहब, आपने मुझे पसंद करके मेरा जीवन सफल बना दिया। अगर आप इनकार कर देते तो मैं इसी झील में कूदकर अपनी जान दे देती। अगर हम कहें कि हम किसी और से प्यार करते हैं तो? कहकर तो देखिए, अभी कूद कर मर जाऊंगी। कहिए ना, झूठ सही कहिए कि आप किसी और से प्यार करते हैं। अगर मैंने कूद कर जान न दे दी तो मेरा नाम भी। अरे रे, क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ मुझे चाहते हैं, इसीलिए तो आपने मुझे पसंद कर लिया है ना। अरे भाई मुनीम जी, अरे ले जाओ भाई, ले जाओ, अंदर ले जाओ। क्या बात है राम मोहन, इतनी बड़ी फौज लेकर आए हो, हमला करने का इरादा है क्या? अरे बिना हमले के मैं जीत गया। क्या जीता भाई? तेरा बेटा पंडित ने 20 तारीख शादी की तय की है। तो ठीक है, बारात लेकर आ जाएंगे। भाई खड़े क्या हो, समझी हो, गले लगो। सूरी भान, तुमने मेरी बेटी को अपने घर की बहू स्वीकार करके मुझ गरीब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। कैसी बातें करते हो राममोहन, हमने तो बहुत पहले तय कर लिया था कि पूजा ही इस घर की बहू बनेगी। शारदा, शारदा। क्या बात है भैया? राममोहन जी आए हैं, जलपान का इंतजाम करो। नमस्ते, नमस्ते दीदी। बिल्कुल जलपान नहीं चाहिए मुझे। भाई देखो, जब तक दोस्त था इस घर का खाता पीता रहा, अब लड़की का बाप हूँ तो यहाँ का पानी पीना भी गलत समझता हूँ। अब आज्ञा दो, मुझे चलता हूँ। अच्छा दीदी। देखा शारदा, इसे कहते हैं ठाकुर का खून। ठकुराई चली गई लेकिन ठाकुरपन नहीं गया। अब तो शादी की तैयारी में लग जाओ। आपने ये रिश्ता कबूल कैसे किया? क्योंकि ये रिश्ता हमें पसंद है। लेकिन आपकी पसंद से क्या होता है? अजय को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद है। उसकी पसंद नापसंद से क्या होता है? हम जानते हैं कि इस खानदान की बहू कौन हो सकती है। तो आप अपने खानदान की रट लगाए रखिए, अजय सुनेगा तो विदेश भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा? हम उसे जाने देंगे तब ना? और फिर हम राम मोहन को वचन दे चुके हैं। तो आपको फिर अपना वचन तोड़ना पड़ेगा। हरगिज नहीं, हम ठाकुर हैं और ठाकुर वचन निभाने के लिए मर सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता। अजय भी ठाकुर है, वो भी तो किसी को अपना बनाने का वचन दे चुका है। वो मर जाएगा लेकिन पूजा से शादी नहीं करेगा। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, अजय की रगों में भी आप ही का खून है। भूल गए आप, जब अजय छोटा था भाभी के गुजर जाने के बाद आपके लिए दूर दूर से रिश्ते आए थे, लेकिन आपने उन सबको ठुकरा दिया। सिर्फ इसलिए ना कि जानकी भाभी से आप बहुत प्यार करते थे। जरा सोचिए भैया, जब आप अपनी मरी हुई पत्नी को भूलकर किसी और से शादी नहीं कर सके तो अजय अपनी प्रेमिका को छोड़कर किसी दूसरी लड़की से कैसे शादी कर सकता है? बोलिए भैया, जवाब दीजिए मुझे। भैया, 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 क्या हुआ? लगता है दिल का दौरा पड़ गया है। मुनीम जी, मुनीम जी। नर्स, आते ही दवा खिला देना। यस सर। डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, पापा कैसे हैं? देखो बेटा, तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, ये सेकंड अटैक है, उनकी जान खतरे में है। पापा तो ठीक हो जाएंगे ना? एक बात और, तुम्हारे पापा आज के बाद और कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, समझे? मगर अंकल, मैं पापा के पास बैठ तो सकता हूँ ना? हाँ बेटे, बैठ सकते हो, बैठ सकते हो। अच्छा अंकल, Thank you.
बचे। बचे बेटे, बेटे अब चंद दिनों का मेहमान हूं। नहीं पापा, आपको कुछ नहीं होगा, आप जरूर अच्छे हो जाएंगे पापा। बेटे तुम इस खानदान के इकलौते चिराग हो, इस खानदान की इज्जत परंपरा सब तुम्हारे हाथों में है। आपकी जान बचाने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं पापा। बेटे मैंने एक बात तुमसे छिपा रखी थी, लेकिन आज वक्त आ गया है। मैंने राम मोहन जी को वचन दिया था कि उनकी बेटी पूजा की शादी तुम्हारे साथ करूंगा। लगता है ये अरमान अब मेरे साथ ही चला जाएगा। नहीं पापा, हम अपनी जिंदगी के अरमानों का गला घोटकर आपका वचन जरूर निभाएंगे। तुम वाकई पूजा से शादी करोगे? हाँ पापा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे चंडिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फेरे पूरे हुए, शादी संपन्न हो गई, अग्नि को साक्षी मानकर अब आप दोनों पति पत्नी बन गए। अब अपने पिताजी बुआ तथा अन्य बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। तुमने शादी करके हमारे दामन को खुशियों से भर दिया बेटे। बहू अजय इस खानदान की विरासत है, हमें उम्मीद है कि तुम इस विरासत को संभाल कर रखोगी। सोनू, सोनू बेटी। क्या हुआ बेटी? मैंने सपने में देखा कि अजय को मुझसे कोई छीन रहा है। अरे बेटी, तू अजय से बहुत प्यार करती है ना, और वो आजकल तुमसे बहुत दूर गया हुआ है, इसलिए ऐसे सपने आ रहे हैं। कल सुबह उसे टेलीफोन कर लेना। हाँ जा, सो जा, गुड नाइट, दरवाजा बंद कर लेना। पूजा बेटी दूध लाए। अजय अभी तक नहीं आया? अभी तक वो अपने दोस्तों के साथ कह कह लगा रहा होगा। मैं अभी उसे कान पकड़ कर लाती हूँ। ये लो, दोस्तों से छुटकारा मिला तो फोन लेकर बैठ गए। चलो ऊपर जाओ, पूजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर बुआ, हमारा जमीर गवारा नहीं कर रहा है कि हम सोनू को धोखे में रखें। हम अभी उसे फोन करके बता देना चाहते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है और वो हमें भूल जाए। देख बेटा, कल सुबह कर लेना। जरा सोच, बहू पर क्या गुजर रही होगी, उसे तो एक एक पल एक एक साल जैसा लग रहा होगा। पर बुआ। चल जा, ठीक है बेटा, सुबह कर लेना जा। अच्छा। वाह डॉक्टर वाह, डॉक्टर हो तो तुम्हारे जैसा। अरे हम जैसे हट्टे कट्टे इंसान को ऐसा बीमार मरीज बना दिया, किसी को पता भी नहीं चल सका कि हम नकल कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि हम सच में मर सकते हैं। भाई मैंने क्या किया है, ये सब तो तेरी एक्टिंग का कमाल था। ये लो तुम्हारा इनाम और तुम्हारे इक्विपमेंट का बड़ा बड़ा। खैर अपना मकसद पूरा हो गया। मकसद? कैसा मकसद? अरे पंछी बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा था, हमने उसके पर कतर दिए। अब देखता हूँ अजय पूजा को छोड़कर कैसे जाता है। ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अजय बेटे तुम। वाह ठाकुर राय बहादुर सूर्यभान प्रताप सिंह, हमें आज पता लगा है कि आप हमें अपना बेटा समझकर नहीं बल्कि एक पालतू परिंदा समझकर पालते रहे। कितने बदनसीब हैं हम, जिस शाख पर हम बैठे थे वो दरख्त इतना कमजोर और खोखला निकलेगा, इसका हमें एहसास न था। कैसी बातें कर रहे हो बेटे, हमने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। जी हाँ, कितने मेहरबान हैं आप,
अपने बेटे का जनाजा अपने कंधों पर निकालकर समझते हैं कि आपने अपने बेटे का भला कर दिया? ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम बात समझने की कोशिश करो। वाह अंकल वाह, आपका भी जवाब नहीं। हमने आज तक डॉक्टर को जिंदगी देते हुए तो देखा था, मगर जल्लाद की तरह जान लेते हुए आज पहली बार देख रहा हूँ। देखो अजय बेटा, जैसा तुम्हारे पापा ने कहा वैसा ही हमने किया। अच्छा ठाकुर साहब, अब हम चलते हैं। हमें यकीन नहीं था आपने अपने बेटे को दोस्त बनाकर उसके साथ इतना बड़ा धोखा। धोखेबाज वो होता है बेटे जो अपनी खुदगर्दी के लिए कुछ करता है। हमें तुम्हें शादी के बंधन में इसलिए बांधना पड़ा क्योंकि तुम हमारे इकलौते वारिस हो। हम चाहते थे कि तुम हमारी आन, हमारी परंपरा, हमारे खून और हमारे खानदान की रक्षा कर सको। हम नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा हमारी रिवायतों और विरासत को तोड़े, इसलिए मजबूर होकर हमें तुम्हारी शादी पूजा के साथ करनी पड़ी। आप अपने खानदान, अपने खून, अपनी परंपरा और अपनी आन जैसी खोखली रिवायतों का वास्ता दे रहे हैं? अरे क्या आपने एक पल के लिए यह सोचा था कि आपका ये जवान बेटा क्या चाहता है, उसके अरमान क्या है? कभी नहीं। अगर आप मेरी भलाई चाहते हैं तो इन दीवारों पर टंगी अपनी खानदानी मर्यादाओं को देखना छोड़कर एक लम्हे के लिए अपने बेटे के दिल में झांकते और ये देखते कि मेरे जज्बात क्या हैं, मेरे दिल की धड़कनों में ऐसा कौन सा गीत गूंज रहा है, क्या ये आपने कभी मालूम करने की कोशिश की? कभी नहीं। बोलिए, जवाब दीजिए। हम अपने वचन के हाथों मजबूर थे बेटे। वचन? आपके कानों में अपने कौल, अपने वादों और अपने खानदानी राजपूत वचनों का ही इतना शोर है कि आपको अपने बेटे की सीने की पुकार सुनाई नहीं दी। अफसोस है, अफसोस है कि आपने एक वचन निभाने के लिए हमारी जिंदगी की खाई हुई कसम तोड़ दी। जो बाप अपने वालों की स्लीप पर अपने बेटे को टांग दे वो बाप बाप नहीं हो सकता। आपने एक नहीं तीन तीन जिंदगियां बर्बाद की हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। हम मानते हैं कि आपने हमें पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आज के बाद वो सारे रिश्ते खत्म हो गए और अब हम आपका चेहरा कभी नहीं देखेंगे। नहीं बेटे, मर गया आपका बेटा। अब आप न हमारे बाप हैं न हम आपके बेटे, और आज के बाद हम अमेरिका से वापस कभी नहीं आएंगे। अजय बेटे मेरी बात तो सुनो, बेटे मेरी बात तो। मुझे माँ की तरह मानता है ना, फिर भी मुझे छोड़कर जा रहा है। हमारी मोहब्बत का गला घोटकर हमने पापा की जिंदगी के लिए पूजा से शादी करने का फैसला किया था, लेकिन बुआ हमारी जिंदगी के साथ इतना बड़ा धोखा, हमें यकीन नहीं आ रहा बुआ। लेकिन बेटा। बस बुआ बस, आप हमें रोकने की कोशिश आज मत करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी में पहली बार आपकी आज्ञा का पालन न कर सकूं। मुझे बस इजाजत दीजिए बुआ, मैं जा रहा हूं। पूजा बेटी, सुबह हो गई है। बुआ, वो कहाँ है बुआ? बेटी, वो तो चला गया। चले गए? कहाँ चले गए? अमेरिका? नहीं, वो मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकते, मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकते बुआ। मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकते। नहीं, नहीं। सब्र कर बेटी, वो शायद किसी जरूरी काम से वहां गया है। बहू, अजय इस खानदान की विरासत है, हमें उम्मीद है कि तुम इस विरासत को संभाल कर रखोगी। चल बेटी, तेरे पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं।
रो मत बेटी, रो मत। पापा, आपने अपनी विरासत मुझे सौंपी थी, मैं उसे संभाल न सकी। मैंने उसे बहुत समझाया बेटे, मगर वो मुझसे मिले बगैर क्यों चले गए पापा? क्या कसूर था मेरा? धीरज रखो बेटी, भगवान शायद हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई ना पापा? नहीं बेटी, भला तुमसे कौन सी भूल हो सकती है? तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें भी अमेरिका भेज देंगे। मैं अमेरिका कैसे जा सकती हूँ बुआ? न मुझे अंग्रेजी आती है, न मैं वहां के बारे में कुछ जानती हूँ। तो सीख लेना बेटी, मैं आज ही गोपी से बात करता हूँ। हेलो। सुबह का मंजर भी क्या कयामत का मंजर है। खुद वो कहीं, जुल्फें कहीं, आंखें कहीं, सांसें कहीं। कैसी हैं आप? अजय, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। शुक्र है, पहचान तो लिया। कहाँ हो तुम? आपके दिल में, आपकी आंखों में, आपकी सांसों में। अरे हद तो ये है कि आपके दिल की धड़कनों में भी हमारा नाम लिखा है। अरे बस बस शायर साहब, पहले ये तो बताइए कि आप। अरे पहले बिस्तर से तो उठ जाइए आप। How do you know that? हमें तो ये भी मालूम है कि इस वक्त भी आपकी आंखों में नींद की गुलाबी डोरे हैं। ये तो कोई भी बता सकता है। अच्छा तो ये तो कोई नहीं बता सकता है ना कि आपने इस वक्त गुलाबी नाइटी पहनी है। अजय, how do you know all this? साइंस तरक्की कर गया है मैडम, इंसान चांद से जमीन तक देख सकता है, तो हम तो आपके दिल से अपने दिल तक देख रहे हैं। हम तो ये भी देख रहे हैं कि आपने तकिए को अपने सीने से लगा रखा है। हम तो ये भी देख रहे हैं कि आप अपने जुल्फों में हाथ फेर रही हैं। हम तो ये भी देख रहे हैं कि आप फोन को देख रही हैं। हम तो ये भी देख रहे हैं कि आपको थोड़ी सी। ओह गॉड अजय, यू, मैं पागल हो जाऊंगी। हो जाएंगी, हम तो हो चुके हैं। क्या? तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगे सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी। देवी, ये सब कैसे बता सकते हो? कैसे? अरे मैडम, अपनी नाजुक सी गर्दन घुमाकर खिड़की के बाहर देखिए। अभी बताती हूँ। I love you.
सोनू, कैसी हो तुम? कैसी लग रही हूँ? अजय, वन थिंग आई वुड हैव मिस्ड। क्या? क्या कहना चाहते थे? बोलो। सोनू, मैं, देखो, मैं समझ गई। क्या? आई लव यू अजय। You look just like a joker. अंदर जाओ। जाओ अंदर। ए यानी ये एबीसीडी छोड़ दीजिए। आप मुझे अंग्रेजी में चिट्ठी लिखना सिखाइए। अंग्रेजी में चिट्ठी लिखना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए ग्रामर सीखना पड़ता है, अंग्रेजी के नए नए वर्ड सीखने होते हैं और मुझे सिर्फ चिट्ठी लिखना सिखा दो बस। अरे बाबा, मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे ये, अरे अच्छा ये बताओ, लिखना किसको है? वो अच्छा वो अच्छा तो लिखो, आई लव यू। आई लव यू। आई मिस यू। योर्स पूजा। बस बस शुरू शुरू में बस इतना ही लिखना काफी होता है। लिखो। Yours, पूजा। What are you reading? कुछ भी नहीं। तुम क्या छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं। बताओ। कुछ भी नहीं। अरे छोड़ो। बताओ। कुछ भी नहीं। क्या छुपा रहे हो? ये नहीं। फिर क्या? कुछ भी नहीं, लो। बताओ। अरे क्या कर रही हो? I love you. I miss you. I love you too. Oh, Sonu, I love you too. One, two, three. गिर गई। अब ये मैं सिखा दो मैं चल के दिखाता हूँ। मैं ये देखो, मुझे देखो, ये देखो मुझे, ये हिल वाले जूते, ये ऐसे खड़ी हो गई, ये चली लेफ्ट राइट वाह 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 वाह, एक्सलेंट, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, भाभी कमाल हो गया। पूजा बेटी। वाह। अरे पूजा बेटी, क्यों शर्मा रही है? कितनी सुंदर लग रही है तू। वो बुआ बहुत अच्छी लग रही है। चल पापा के पास। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ, मुझे काम है, फिर मिलेंगे। सी यू। आओ आओ बेटी। अरे पूजा बिटिया तुम, अरे इतनी सुंदर, अरे ये तो कायाकल्प हो गया। आओ बैठो। तो क्या पहले मैं सुंदर नहीं थी पापा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटी, मेरा मतलब था कि इनके कहने का मतलब है कि इस लिबास में तुम और भी सुंदर लग रही हो। हाँ। देखो पापा, मैंने अंग्रेजी सीख ली, विदेशी कपड़े भी पहन लिए, अब आप सिर्फ मुझे कांटे चूरी से खाने का ढंग सिखा दीजिए। वो भी सिखा देंगे बेटे। वाले इश्क
न करना यार कभी तुम इश्क न करना, इश्क न करना यार कभी तुम इश्क न करना, इश्क की बाजी कोई न जीता सब आशिक गए हार कभी तुम इश्क न करना, इश्क न करना यार कभी तुम इश्क न करना, इश्क की बाजी कोई न जीता सब आशिक गए हार कभी तुम इश्क न करना। इश्क ने लाखों के दिल तोड़े, इश्क में लाखों दर्द बिछोड़े, इश्क ने लाखों के दिल तोड़े, तोड़ी ने थी जान गवाए, सच्ची करवा पस ना आए, इश्क की बात करे जब कोई, इश्क की बात करे जब कोई, मत करना एतबार हो, इश्क न करना यार कभी तुम इश्क न करना, इश्क न करना यार कभी तुम इश्क न करना। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग भैया। बहुरानी ये रही आपकी मंगाई हुई किताब। थैंक यू। मुनीम जी, जी आप मेरा खत पोस्ट करते हैं या नहीं? कैसी बात कर रही हैं बहुरानी, दूसरे कामों में भले ही देर लगाता हूँ पर आपका काम तो हमेशा पहले करता हूँ। अच्छा चलता हूँ। फिर पता नहीं वो मेरे खतों का जवाब क्यों नहीं देते। अरे जवाब नहीं देता तो फोन कर लो, और अभी तो वहां रात होगी, अभी हुजूर की खबर लेता हूँ। दो हेलो 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 अजय, मैं गोपी बोल रहा हूँ इंडिया से। हाँ गोपी, क्या हाल है? अरे मेरा हाल क्या पूछते हो, अरे उनका पूछो जिनका पूछना चाहिए। लो भाभी से बात करो। भाभी हेलो 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 आप कैसे हैं? क्या हुआ? लगता है फिर कट गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। लाइए। मैं जब भी फोन करती हूँ कट हो जाता है। पता नहीं उसकी लाइन को क्या हो गया है। थ्री वन हेलो हेलो, लगता है कनेक्शन कहीं और जुड़ गया है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी जी, मैं कल फिर से ट्राई करूंगा। बेटी अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। पर आप भी तो नहीं सोए अभी तक। अरे बस बस इतना नहीं डालते बेटे। वो मुझे क्या पता, आप सिखा दीजिए ना। अमेरिका जाना है तो ये सब कुछ तो आना चाहिए ना। सुना है वहां सब लोग शराब पीते हैं। एक बात पूछूं पापा? पूछो। ये शराब कैसी होती है? कड़वी।
बहुत कड़वी बेटे। कड़वी? तो फिर आप इसे क्यों पीते हैं? बेटे, जिंदगी की कड़वाहट शायद थोड़ी कम हो सके। आपकी जिंदगी में कौन सी कड़वाहट है जो आप पीते हैं? गम भुलाने के लिए पीते हैं बेटे। पापा, अगर पीने से गम दूर होता है तो आज मैं भी पीऊंगी। ये क्या पागल कर रही हो? क्यों, आप बेटे की दूरी के गम में पीते हैं ना? उसका दुख तो आपसे ज्यादा मुझको है। जाने के बाद भी न कोई खोज न खबर। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। तुम तो खाम खाम परेशान हो रही हो। चिंता की कोई बात नहीं बेटे, जाओ तुम सो जाओ। देखो पापा, आपको सच सच बताना होगा। हाँ, आपको मेरी कसम। नहीं नहीं बेटे, कसम मत दिलाओ। वैसे ही हम तुम्हारे गुनहगार हैं। गुनहगार? बेटे, हमने तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद नहीं की, अजय के साथ भी धोखा किया। धोखा? कैसा धोखा? ऐसा धोखा बेटे, जिसके लिए हम खुद को माफ नहीं कर सकते। अब वो हमसे नफरत करने लगा है। कह के गया है कि कभी वो हमारा चेहरा नहीं देखेगा। क्या? वो कभी वापस नहीं आएगा। हम उसके ही नहीं, तुम्हारे भी मुजरिम है बेटे। नहीं पापा, नहीं, आप मुजरिम नहीं हो सकते। बेटे, तू बहुत भूली है। अभी तेरी पूरी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है। मैं ये सोचता हूं कि वो वापस नहीं आया तो तेरा क्या होगा। नहीं पापा, वो आएंगे, मैं उन्हें वापस लाऊंगी। अब चिंता ना करे पापा। पापा, मैं उस देश की औरत हूं जहां सावित्री अपने पति को यमलोक से वापस लाई थी, तो क्या मैं उन्हें अमेरिका से वापस नहीं ला सकती? ठीक है बेटी, हम तुम्हारा अमेरिका जाने का इंतजाम करते हैं। सच? Come on, enjoy yourself. Good morning, sir. Good morning, good morning. Namaskar. Kaho bhai Srivastav, kaise ho? Bas aapki kripa hai, sir. Sir, tumhe dekhkar badi khushi hoti hai. Apne watan se tum akele aaye the, magar yahan aakar family wale ban gaye. Ji, ye meri patni hai, sir. Are, are kyun bhai Satish, chupa kyun rahe ho? Piyo, piyo. Namaste, uncle. Are, acha hua tum aa gaye. Bas tumhari hi kami thi. वाह अंकल वाह, आज अपने लोगों को देखकर यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि जैसे हम फिर से अपने देश वापस आ गए हैं। हाँ बेटे, ये वो रिश्ते हैं जो वतन की खुशबू बनकर हमारी सांसों में बसे हुए हैं। हम कुछ समझे नहीं अंकल। बेटा, वतन की यादें जिनमें हम सब के दुख सुख शामिल हैं, आज भी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। अंकल, तो इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं? हाँ, आज थैंक्सगिविंग के दिन हम सब बेवतन अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों से इतनी दूर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम अपनी यादें ताजा कर सकें। कैसी यादें अंकल? पूरब से एक प्यारा झोंका पवन उड़ा कर लाई, आज अचानक भर आया याद वतन के आए, वतन के फसाने, वतन की कहानी, वतन के फसाने, वतन की कहानी, सताने लगे हैं वो यादें पुरानी, वो यादें पुरानी, वतन के फसाने, वतन की कहानी, वतन के फसाने, वतन की कहानी।
इसलिए घूमता हूँ मैं उसकी निशानी लिए घूमता हूँ मैं उसकी निशानी वतन के बसाने वतन की कहानी वतन के बसाने वतन की कहानी बदल गई बुढ़ापे में उसकी जवानी वतन के बसाने वतन की कहानी वतन के बसाने वतन की कहानी एक भी उसकी मैंने न मानी वतन के बसाने वतन की कहानी वतन के बसाने वतन की कहानी
तुम रानी, दिलों पे है अब भी तेरी हुक्मरानी। वतन के फसाने, वतन की कहानी, सताने लगी है वो यादें पुरानी, वो यादें पुरानी। वतन के फसाने, वतन की कहानी, वतन के फसाने, वतन की कहानी। टैक्सी। Take me to Pasadena, please. Here's your $25. Excuse me? Yes, please. Where is Ajay's apartment? Ajay? Yeah? He's moved out. Kaha? I mean, where? Where, I don't know. Kaha chale gaye honge? Ab main kaha dhoondu unko? Kya karu? पापा को तो फोन कर देना चाहिए। वेलकम टू अमेरिका। कौन है आप लोग? लेव मी, छोड़ दो मुझे। वेलकम टू अमेरिका। लगता है नई नई अमेरिका आई हो। देसी मुर्गी विलायती ठीक है, तुझे हलाल तो मैं ही करूंगा। Bring the girl to the car. Rascal, लेव मी, छोड़ दो। Get the girl. ये बुड्ढा कहां से आ गया?
थैंक्स अ मिलियन। बेटी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और इस शैतान के चुंगुल में कैसे फंस गई? अंकल, मैं हिंदुस्तान से अपने पति को ढूंढने के लिए यहाँ आई। जब मैं उनके घर पहुंची तो पता चला वो कहीं और शिफ्ट कर गए। फिर मैंने सोचा हिंदुस्तान फोन करके बाबूजी को बता दूं। और जब मैं बूथ पर आई तो गुंडों ने मुझे घेर लिया। Now I don't know where I'll find him. अब मैं कहाँ ढूंढूं उनको? मैं कहाँ ढूंढूं अपने पति को? बेटी, तुम्हारी ही उम्र की मेरी एक बेटी है। जब तक तुम्हारा पति तुम्हें नहीं मिल जाता, अगर तुम चाहो तो हमारे घर पर उसके साथ रह सकती हो। हाँ बेटी, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, बल्कि हम तुम्हारे पति को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। ओके? आओ। सोनू बेटी। यस डैड। देख तो कौन आया है। मगर डैड, ये है कौन? तकदीर की मारी हुई है, अपने वतन हिंदुस्तान से अपने पति को यहाँ ढूंढने आई है। हाउ सैड। बड़ा ही अजीब आदमी होगा जो यहाँ आकर अपनी वाइफ को ही भूल गया। सेल्फिश मैन। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उनके बारे में कोई गलत शब्द मत कहिए। वो जो कुछ भी है मेरे लिए भगवान की तरह है। वाह, ये हुई ना अपने वतन की औरत, जो धरती की तरह हर जुल्म सहते हुए भी उफ तक नहीं करती। But I hate this system, Dad. अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उसे डाइवोर्स दे देती। बेटी, बस यही तो पूरब और पश्चिम की सभ्यता में फर्क है। पूरब वाले जान देकर भी रिश्ता निभाना जानते हैं। पर डैड, देखो बेटी, ये पहले ही बहुत परेशान है। जब तक इसका पति नहीं मिल जाता ये हमारे ही साथ रहेगी। जाओ, इसे अपने कमरे में ले जाओ। ओके डैड, प्लीज कम। आइए, ये मेरा कमरा है। ये फोटो माय फियांसे, ये मेरे अजय की है। तुम्हारा अजय? हाँ, बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। क्या क्या हुआ, क्या हुआ पूजा? कुछ नहीं, भटकते भटकते थक गई हूँ। कम रिलैक्स, कम, डोंट वरी, रिलैक्स, आराम कीजिए। यू आर राइट, डोंट वरी, आई विल बी बैक। ये है आपका प्यार जिसके लिए आप अपनी पत्नी को छोड़कर यहां चले आए। अगर मैं तो सबको बता दूंगी कि आप सिर्फ मेरे पति हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं उनकी पत्नी हूं, सात फेरे लिए उनके साथ, जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई है। कितनी खुदगर्ज हो तुम। अगर वो भला आदमी तुम्हें यहां लेकर ना आता तो तुम्हारे मंगलसूत्र का एक एक दाना न जाने कौन कौन मवाली लूट कर ले जाते। पत्नी से तुम बेशा बना दी जाती। जिसने तुम्हें सहारा दिया उसी की बेटी का सहारा छीनोगी तुम? तो मैं क्या करूं? तुम्हें खामोश रहना होगा। नहीं, वो मेरे हैं, मैं उन्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें पाकर रहूंगी।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? What do you mean? पूजा, ये तुम्हारा नाटक बंद करो. Come on. I'm not Pooja. I'm Pam. Leave me alone. Hey, come on, let's dance. Yeah, baby. Hey, who are you? Why did you hit him? ये हमें बर्दाश्त नहीं होता. क्यों? तुम हमारे हो कौन? It's my life. I'll do whatever I want. Go to hell. पूजा. तुम तो यहां अपना सहारा ढूंढने आई थी ना. अगर इसी तरह तुम्हारे कदम लड़खड़ाते रहे तो एक दिन तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओगे. नहीं अंकल, मुझे गलत मत समझिए. मैं गिरने के लिए नहीं बल्कि किसी की नजरों में उठने के लिए नाटक करके आ रही हूं. तुम गलत सोच रही हो बेटी. लड़खड़ाने का यह नाटक कभी कभी आदत बन जाती है और फिर इंसान इस तरह गिर जाता है कि उसके लिए उठना मुश्किल हो जाता है. मरे हुए को कोई क्या गिराएगा अंकल. मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो मुझे सुहाग सेज पर छोड़कर चले आए थे. आप क्या समझते हैं कि शराब पीने या इस तरह के कपड़े पहनने का मुझे शौक है? कभी नहीं. आज भी मैं वही घाघरा चोली वाली सीधी साधी लड़की हूं. आज भी मुझे इस देश की रहन सहन और चमक धमक बिल्कुल पसंद नहीं है. मगर अपने सुहाग को पाने के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ा. अंकल, मैं उन्हें वापस ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी. बस आपका आशीर्वाद चाहिए. अजय, अजय, क्या सोच रहे हो? सोनू, What happened? अच्छा हुआ कि तुम आ गई. हम तुम्हें कुछ बता देना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए थे. सोनू, हम किसी उलझन में फंस गए हैं और जब भी उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं और भी उलझते चले जाते हैं. मैं कुछ समझी नहीं. हमारा एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त है. समझ लो कि उसका दर्द हमारा दर्द है. कैसा दर्द? हमारे दोस्त की शादी उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ धोखे से कर दी है. और जबकि वो लड़का किसी और लड़की से प्यार करता है लेकिन हाँ वो लड़की भी उतना ही उस लड़के से प्यार करती है. हमारे दोस्त को हमेशा डर लगा रहता है कि अगर उस लड़की को पता चले कि उसकी शादी हो चुकी है तो उसका क्या होगा? होगा क्या, वो अपनी जान दे देगी. अगर मुझे ये पता चले कि तुमने किसी और से शादी कर ली है, I'll kill myself. It's getting late, let's go. कुंवर साहब, झूठ सही कहिए कि आप किसी और से प्यार करते हैं. अगर मैंने कूद कर जान न दे दी तो मेरा नाम भी पूजा नहीं. अगर मुझे ये पता चले कि तुमने किसी और से शादी कर ली है, I'll kill myself.
पूजा, ये जो मैं देख रहा हूं क्या ये सच है? चुप रहने से काम नहीं चलेगा बेटी। क्या अजय ही तुम्हारा गुमशुदा पति है? हमने तो इसे बहुत बड़ा बहादुर और भोला भाला समझा था, मगर ये तो एकदम कायर और दो मुहा सांप निकला। लगता है मेरी ही पूजा में कुछ कमी रह गई, इसीलिए वो। तू बहुत भोली है बेटी, तूने जिस काम का बीड़ा उठाया है उसे पूजा पाठ करके या तस्वीर की आरती उतार कर पूरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए तुम्हें कोई नया ही रास्ता अपनाना होगा। तुम्हें अजय का मन जीतना होगा, उसको अपने प्रेम में जकड़ना होगा ताकि वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास ना जा सके। कोशिश तो कर रही हूँ मगर। मगर कुछ नहीं, इस कोशिश में हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये जानते हुए के सोनू। हाँ बेटी, वो हम पर छोड़ दो, हम अभी अजय को फोन करते हैं। हेलो। हाँ अजय, हम चौहान बोल रहे हैं। हाँ कहिए अंकल, आपने हमें इस वक्त कैसे याद किया? इसलिए कि डिनर का वक्त है, अचानक तुम्हारी याद आ गई, सोचा आज तुम्हारे साथ खाना खाया जाए। तुम यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। सोनू, सोनू। यस डैड। मैं सोच रहा हूँ कि आज बाहर चलकर कहीं खाना खाएं, किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में। ओके, आई विल गेट पूजा। नहीं, आज उसका व्रत है, हम दोनों चलेंगे। ओके कम। कंगना बोले खन खन खन, वो तेरे पायल बोले छन छन छन, मेरा कंगना बोले खन खन खन, तोहे बार बार समझाए मेरी देख जवानी है, बैरिया तुझको तरस ना आए। मेरे पायल बोले छन छन छन, मेरा कंगना ओ मेरा कंगना, बेरिया
पूजा कोई पराई लड़की नहीं, ये मेरी पत्नी है सोनू। पत्नी है? फिर मैं कौन हूँ? You cheat? I hate you. मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। I'll kill myself. No! नहीं, नहीं। क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पूजा, जिस हालात में हमसे तुम्हारी शादी हुई थी उस वक्त भी हम मजबूर थे और आज भी हम मजबूर हैं। शादी से पहले हम सोनू से प्यार करते थे और आज भी हम करते हैं। हम किसी भी कीमत पर उसे छोड़ नहीं सकते। अगर हमने फरेबी मक्कार धोखेबाज, एक सुहागन की जिंदगी तबाह करके तू मेरी बेटी से प्यार का नाटक करता है। ये झूठ है, सरासर इल्जाम है। फरेबी धोखेबाज मक्कार हम नहीं, हमारे पापा हैं। पूजा के साथ शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई थी। पापा ने अपनी बीमारी का नाटक करके इसको हमारे गले डाल दिया था। तुमने अपने बाप की इच्छा पूरी करने के लिए इस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसमें इसका क्या कसूर था? बोलो। तुम भले ही मनमानी करो, अगर वो शादी थी और पूजा तुम्हारी पत्नी है। लेकिन डैड, तुम चुप रहो। अजय, क्या तुमने इसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर नहीं भरा था? क्या तुमने अग्नि के सामने फेरे नहीं लिए थे? हाँ, लिए थे, लेकिन वो अग्नि के सामने नहीं, हमारे बीमार पापा के चारों तरफ लिए गए थे। हमने इसकी मांग में सिंदूर नहीं, हमारे पापा की आखिरी ख्वाहिश भरी थी, लेकिन वो शादी शादी नहीं, एक धोखा था, फरेब था, एक फ्रॉड था। अगर वो फ्रॉड था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हमने कई बार कोशिश की कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, मगर अफसोस है कि वक्त ने हमारा साथ नहीं दिया। वक्त ने तुम्हारा साथ नहीं दिया या सच बताना नहीं चाहते थे? खैर, जो भी हो, पूजा को तुम्हें अपनाना होगा। What are you thinking? क्या सोच रहे हो अजय? ये तुम्हारी और हमारी जिंदगी का सवाल है। तुम ठीक कह रही हो सोनू, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा जाता है कि दो नाव पर पैर रखने वाला डूब जाता है। इससे पहले किसी और की जिंदगी बर्बाद हो, हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि मैं ही वापस चली जाती हूँ। टॉम, टॉम, ये क्या हुआ तुम्हें? टॉम, 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 डेंगू का पता चल गया सर, उसके अड्डों का पता चल गया। कहाँ है डेंगू का अड्डा? बताओ मुझे कहाँ है। मोरिनो वैली लेक के पास, और उसका स्मगलिंग का अड्डा नेशनल हैंगर साइप्रस। टॉम साहब,
मैं चला सर। नहीं टॉम, हो सके तो वतन खबर कर देना। टॉम टॉम, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। डैंगलो, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। Let's go. चलो नेशनल हैंगर साइप्रस चलो। ऑलराइट।
die, may I die. We're going down, we're going down. You jump! आपका मुजरिम, हमने जो आपको वचन दिया था आज उसे पूरा कर दिया है। अंकल मुझे माफ कर दीजिए, आप तो मेरे बाप समान है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अकेले हो अजय, मरने को तैयार हो जा। वेलकम टू अमेरिका। टेक दिस बॉडी अवे। सोनू? हाँ अजय, मुझे आज समझ में आया है कि सुहाग पर सिर्फ सुहागन का ही हक होता है।